हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बैक नेक डिज़ाइन बनाना। तो ये हमारा ब्लाउज है, तो इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई 14 इंच है, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, चेस्ट यहाँ पर हमारा है 8 इंच, 7.5 इंच हमारा कमर है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो 8.5 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। अब यहाँ से हम नेक का निशान लगाते हैं, तो नेक की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। डीप यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ से भी हमें 2 इंच ही ले लेना है। अब इस निशान को हमें बराबर मिला लेना है, तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे पूरा हम नीचे तक ही करना है हमें, तो हमने पूरा नीचे तक कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमने नेक की डीप रखी है वहाँ से हल्का सा हमने तिरछा कर लिया है। अब इस नेक को हमें सीधा स्ट्रेट में ही कट कर लेना है, तो देखिए हमने सीधा कट कर लिया है। अब हमारा जो अस्तर है नेक को, इसको कट करके हम अलग रखेंगे, इसके हम पैच तैयार करेंगे। अभी देखिए हमारा मेन फैब्रिक ओपन कर लेना है और अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें एक दूसरे के ऊपर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद आपको कैनवस पेपर ले लेना है इस तरह से, ये 2 पीस में है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है और लंबाई आपकी जो ब्लाउज़ है उतनी ही रहनी चाहिए। अभी हमें डिज़ाइन बनाने के लिए गोल्डन कपड़ा ले लेना है और ये हमारे जो कैनवास पेपर जो हमने कट किया है, ये दोनों साइड के लिए 2 पीस हमने कट किया था, तो इसको इस तरह से प्रेस से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। अब इसे साइड में रखेंगे, उसके बाद हमने जो ये हमारा जो नेक कट किए थे उसे ले लेंगे और दूसरा अस्तर कपड़ा ले लेते हैं। अब इसे हम सेम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बराबर में रखेंगे और ऊपर से भी हमें बिल्कुल बराबर कट करना है। साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है दबाव के लिए और नीचे भी हमें बराबर ही कट करना है। तो देखिए अस्तर पे हमने इसे कट कर लिया है, अब इसे भी कैनवस पे हम पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ों को मैंने कैनवस पे पेस्ट कर लिया है और जो पैच रेडी करेंगे उसके लिए हमें मेन फैब्रिक लेना है। तो नीचे हम मेन फैब्रिक रख लिए हैं और इसको पूरी तरफ से हम सिलाई लगा के अटैच कर लेते हैं। इसे हमें पलटाना नहीं है, बस हम यहाँ पर सिंपल सिलाई ही लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से इसे सिलाई लगा के अटैच कर लिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कैनवस पेपर है उसे हम कट कर लेंगे बराबर से। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो हमने इसे कट कर लिया है और ये जो पैच हमने रेडी किया है स्ट्रेट में, इसे भी हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हमने कट कर लेना है दोनों साइड का। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया, अभी इसे हम साइड में रखते हैं और एक कपड़ा ले लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच होगी और यहाँ पर हम एक जैसे कि डोरी तैयार करते हैं ना, तो वैसे ही हमें यहाँ पर एक डोरी तैयार करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगाए के इसे हमें पलटना है। तो देखिए हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है, अब इसे निडिल की सहायता से हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे पलट लेना है। तो हमने इसे पलट लिया है। अब इसकी जो लंबाई है वो हमें कितनी रखनी है, ये हमने जो 2.5 इंच का पैच तैयार किया है ना, इस तरह से आप नाप लीजिए या 3 इंच आप लंबाई से कट कर सकते हैं, तो इस तरह नाप के भी आप कट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको और भी डोरी रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसे बराबर में कट कर लेंगे, और भी डोरी हम रेडी कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर फ्रंट क्या है, मैं आप लोगों को डोरी बना के अटैच करते हुए नहीं दिखा पाई, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। देखिए नीचे से हमें 1/4 इंच हमने छोड़ दिया है, 1/2 इंच हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, 1/4 इंच से थोड़ा ज़्यादा, और 2-2 इंच पर हमने यहाँ पहले तो मार्क कर ली थी मैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-2 इंच पे इस तरह से मार्क कर ली थी और वहीं से मैंने अपनी डोरी को अटैच करना शुरू किया था। तो इस तरह से मैंने क्रिस क्रॉस में यहाँ पर अटैच किया है डोरी को, तो इसी तरह आप भी कर लें डोरी को। और फिर उसके बाद हमें एक कपड़ा ले लेना है, जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है उसी को हम लेंगे यहाँ पर, और साइड में हमें पाइपिंग बनाना है। तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे सिलाई लगा के यहाँ पर पाइपिंग रेडी करूँगी। तो हमने एक साइड सिलाई लगा लिया है, अब इसे पलट के आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी ही चौड़ी आपको यहाँ पर बना लेना है। पतली चाहिए तो आप पतली बना सकते हैं। इसे पलटते हुए हमें फिर से एक बार सिलाई लगाना है।
और मैं यहाँ ये जो पाइपिंग है वो मैं स्ट्रेट कपड़े में ही बना रही हूँ। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से सेट करते हुए जाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरह आपको दूसरी तरफ में भी अटैच कर लेना है, पाइपिंग बना लेना है दूसरी पट्टी पे भी। तो देखिए हमने यहाँ पर बना रखा है। अब इस पट्टी को हमें ले लेना है और इसके ऊपर रख के हमें इसको सिलाई लगा के अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा के हम अटैच कर देंगे इसको अपने मेन फैब्रिक के साथ में। तो यहाँ पर हमने डोरी को पैच को अटैच कर लिया है। इसी तरह आपको दूसरे पे भी अटैच कर लेना है। इसे रख के हम इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने दोनों पट्टी को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ भी हमें पाइपिंग बनाना है। उसके लिए हम फिर से एक बार कपड़े लेंगे और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। आप सिलाई ना भी लगाएं तो डायरेक्ट इस पर अटैच कर सकते हैं, बट इस तरह से सिलाई लगा के भी आप इस पर पाइपिंग के लिए कपड़ा रेडी कर सकते हैं। तो हमने ये पट्टी रेडी कर लिया है। अब इसको रखेंगे यहाँ पर और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर कपड़े को अटैच कर लिया है और पलट के अब यहाँ पर हम पाइपिंग बनाएंगे। तो जितनी चौड़ी पाइपिंग आपने पहले बनाई थी बस उतनी ही चौड़ी आपको यहाँ पर भी पाइपिंग बना लेनी है। और इस तरह से हमारी जो ये पाइपिंग है वो बन गई है। इसी तरह आपको दूसरे पल्ले पे भी कर लेना है। तो देखिए सेम हमने दूसरे पल्ले पे भी कर लिया है। इसी तरह अब 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे एक हम गोल्डन कलर की और उसको साइड से हमें सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने साइड से सिलाई लगा दिया है। उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। तो नीडल की सहायता से हमें इसे पलटना है। इसका हम एक बो बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं इसे पलट ले रही हूँ। तो हमने इसे पलट लिया है। उसके बाद ये जो हमने पैच रेडी किया था पैच को ले लेना है और इसके ऊपर में हम पहले पाइपिंग बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पाइपिंग बना लेना है। तो एक बार हमने सिलाई लगा दिया है और सेंटर पे कट लगा देंगे ताकि अच्छे से पलट जाइए। अब यहाँ पर आपको जैसे पाइपिंग चाहिए उतनी पतली या मोटी आप रख सकते हैं और इस तरह फोल्ड करते हुए आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग जो है वो बन चुकी है। जो एक्स्ट्रा निकला हुआ कपड़ा था उसे हम कट कर लिए हैं और ये जो 2.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी बनाई थी यहाँ पर उसको सेंटर से हमें कट कर लेना है। और इस तरह से रखते हुए हम इन दोनों पट्टियों को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए हमको इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेना है। दूसरी साइड भी सेम आपको इसी तरह रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा लिया और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कट कर लिया है। अब इसे हमें सेंटर में रखते हुए यहाँ पर भी हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ भी सिलाई लगा दिया है। अब साइड में हमारा जो टक्स है टक्स पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारा एक साइड का टक्स रेडी हो गया है। दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह सिलाई लगाना है। तो हमारा दोनों टक्स सिल के रेडी हो गया है। अब नीचे में हम पाइपिंग देंगे गोल्डन कलर के कपड़े की। तो इस तरह से हम यहाँ पर कपड़ा अटैच कर ले रहे हैं। अब इसे पलटते हुए एक बार फिर से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद एक बार फिर से पलटेंगे हम और यहाँ पर पाइपिंग बना लेंगे। तो ये जो हमारी पाइपिंग है वो बन के रेडी हो गई है।
अब इसको हम मोती से डेकोरेट करेंगे और जो हमारा बो है उसको सेंटर में वहाँ पर हम बटन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मोती लगा दिया है और सेंटर में बटन लगा दी हूँ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।